ठीक है। सो प्रीवियस लेक्चर में क्या सीखा था हम लोगों ने, व्हीटस्टोन नेटवर्क द बैलेंस कंडीशन, देन बेस्ड ऑन दिस व्हीटस्टोन नेटवर्क वी हैव मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट का बैलेंस कंडीशन या फॉर्मूला टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस ये सीखा था, और उसके बाद हम लोगों ने देखे थे सोर्सेज ऑफ एरर व्हाइल डूइंग द मीटर ब्रिज, बराबर है। सोर्सेज ऑफ एरर में फर्स्ट सोर्स ऑफ एरर था अगर आपका वायर का यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन नहीं है तो, बराबर। अगर आपके वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की नहीं है, आपका जो सिग्मा है मतलब कौन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, बराबर है। अगर वो कांस्टेंट रहेगा तो नहीं रहेगा तो हमारा जो फॉर्मूला है एक्स इज इक्वल टू समथिंग वो प्रॉपरली यूज नहीं होगा, ठीक है। ये पहला सोर्स ऑफ एरर था। दूसरा सोर्स ऑफ एरर क्या था, कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस, मतलब जिधर मेटल स्ट्रिप को वायर ज्वाइन करते हैं ए एन सी पे, बराबर ना, इधर वायर ज्वाइन करना या फिर सी पे इधर इधर कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस जनरेट होता है, उसका वैल्यू स्मॉल रहता है, बराबर। लेकिन अगर आपका बैलेंस पॉइंट इधर मिल रहा है तो ये लेंथ और इसका रेजिस्टेंस ये कंपेरेबल हो गया, या फिर बैलेंस पॉइंट आपका समझो 10 मीटर का नल पॉइंट पे मिल रहा है तो ये इसका रेजिस्टेंस और ये वायर का रेजिस्टेंस दोनों कंपेरेबल, मतलब उसमें एरर ऐड हुआ तो भी हम लोग को पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये एक सोर्स ऑफ एरर है। दूसरा मेजरमेंट ऑफ इलेक्शन एल आर मे नॉट बी एक्यूरेट, मतलब क्या आपका जो स्केल रहेगा वो समझो इधर से लगा है लेकिन जीरो मार्किंग इधर है, या फिर इधर से स्केल लगाया है लेकिन आपका वायर स्टार्ट इधर से हो रहा है स्केल इधर से स्टार्ट हो रहा है, तो एक्यूरेसी होगी क्या नहीं। ये हो गया आपके कुछ क्या सोर्सेस ऑफ एरर, मतलब पॉसिबिलिटी उसके वजह से एरर आ सकते हैं वो सोर्सेस, ठीक है। उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, सोर्सेस रिमूव नहीं कर सकते कम्प्लीटली, क्या कर सकते हैं हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज करने के लिए पहला उन्होंने ऑप्शन दिया है फर्स्ट ऑप्शन है एक्स का वैल्यू एंड आर का वैल्यू इंटरचेंज करके रीडिंग करना, क्या करना है एक्स का वैल्यू एंड आर का वैल्यू क्या करना है, मतलब इनिशियली हम लोग एक्स कौन से गैप में लगाते हैं लेफ्ट इधर आते ना इधर बी पॉइंट और इधर क्या लगाते हैं आर, बराबर है इधर सी पॉइंट है इधर ए पॉइंट, तो एक्स को लेफ्ट में एंड आर को राइट में कनेक्ट करके एक बार रीडिंग ऑब्टेन करना, फिर एक्स को उठा दो इधर रखो राइट में रखो और आर को उठा के इधर रखो लेफ्ट में, फिर से रीडिंग, मतलब आपके एक्स की कितनी रीडिंग हो जाएंगे। इससे क्या मिलने वाला है मुझे, ये सब जो कर रहे हैं हम लोग मीटर ब्रिज का, इससे क्या मिलता है एक्स मिलता है, क्या मिलता है एक्स, तो एक बार लेफ्ट में एक्स रख के एक्स का वैल्यू मिलेगा, एक बार राइट में एक्स रख के एक्स का वैल्यू मिलेगा, कितने वैल्यूज मिले दो वैल्यूज, जो दो वैल्यूज मिलेंगे उनको एड करो एंड डिवाइड बाय टू करो, अभी कितना मिलेगा एक्स एक वैल्यू मिलेगा, तो जो एक्स वन रहेगा या एक्स टू रहेगा वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू रह सकता है या कुछ एरर रह सकता है, लेकिन उसका जब हम लोग एग्रीगेशन करते हैं एग्रीगेट वैल्यू निकालते हैं मीन निकालते हैं तो एरर जो रहेगा समझो एक्स को राइट में रखे कुछ एरर आ रहा है एक्स को लेफ्ट में रखे कुछ एरर आ रहा है, लेकिन उसका अगर हम लोग मीन निकालेंगे तो मीन निकालते समय वो एरर एक दूसरे को क्या करेगा कैंसिल करेगा और जो वैल्यू मिलेगा आपका क्या रहेगा ओरिजिनल वैल्यू के नजदीक का वैल्यू, एक्स का जो ओरिजिनल वैल्यू है वैसे आपको एक नजदीक का वैल्यू मिलेगा जब दोनों गैप के रीडिंग का क्या निकालोगे मीन निकालोगे, समझा। तो ये पहला एक मतलब एक पॉसिबल ऑप्शन है। दूसरी एक बात याद रखना है कि आप जो नल पॉइंट ऑप्टेन करोगे, नल पॉइंट मतलब कौन सा पॉइंट डी, वो जो ऑप्टेन करोगे वो 34 टू 66 सेंटीमीटर के बीच में आप ऑप्टेन करना है, इसमें 34 टू 66 सेंटीमीटर, मतलब ये समझो आपका बड़ा स्केल है जीरो से लेके कितना 100, तो मिडल वन थर्ड, इसके तीन पार्ट दिए मैंने 1 2 3, उसमें से मिडल पार्ट कौन सा है
ये, तो इसका वैल्यू अराउंड 34 टू 66 रहता है। तो आप नल पॉइंट अगर इस इन बिटवीन इधर पे ऑप्टेन करोगे तो आपका कॉन्टेग्रेशन का प्रॉब्लम बहुत सारा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जब नल पॉइंट इधर ऑप्टेन करते हो, मैंने बताया कि इसका रेजिस्टेंस तो इधर का रेजिस्टेंस और ये लेंथ का वायर का रेजिस्टेंस दोनों क्या है, स्मॉल ही है, दोनों दूसरे में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है ना। वैसे अगर आप नल पॉइंट इधर ऑप्टेन करने के बजाय अगर इधर ऑप्टेन करोगे दूसरे एंड पे ऑप्टेन करोगे क्या हो जाएगा, वो छोटे से वायर का रेजिस्टेंस एंड कॉन्टेक्ट का रेजिस्टेंस अभी भी क्या है, दोनों भी कंपेरेबल है, इसलिए हमारे वैल्यू में वो कॉन्टेक्ट ऐड हुआ तो हम लोग को पता नहीं चलेगा। लेकिन हम जब इधर नियर वन थर्ड में ऑप्टेन करते हो तो आपका ए से वो डिस्टेंस ज्यादा हो गया ना, या फिर सी से भी डिस्टेंस क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ये वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो कॉन्टेक्ट डिस्टेंस छोटा रहेगा तो वो निगलेजिबल है, उससे कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। कब? जब आपका नल पॉइंट इधर रहेगा 34 टू मतलब मिडल वन थर्ड ऑफ द वायर, समझा नहीं भाई, समझा एक प्रोसेस। और एक तीसरा दिया है वायर यूनिफॉर्म डिस्ट्रो यूज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वायर, ये मिनिमाइजेशन का मेथड है। ठीक है, तो और मैं सब आके चेक करो जरा, ऐसे ये हो गए चेक करो। पहला क्या दिया है मिनिमाइजेशन का पॉइंट, नल पॉइंट चलेगा, क्या दिया बोलो, द वैल्यू ऑफ आर ए दैट द नल पॉइंट इज ऑब्टेंड टू मिडल वन थर्ड ऑफ, तो ये नल पॉइंट हम लोग को मिडल में कब मिलेगा, ये आ रहा है ना इसका वैल्यू एडजस्ट करना। दूसरा द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ एक्स एंड आर, राइट। हां, तीसरा जॉकी, ये बाकी है ना, तो जॉकी जो है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वायर है वायर है तो जॉकी इधर से जो आता है ना हम लोग टैप करना चाहिए, स्लाइड नहीं करना, अगर स्लाइड करेगी तो वायर क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, क्योंकि करंट लो है ना, तो वायर अगर हीट होगी तो उसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, चेंज होगा, चेंज होगा। हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं स्टैंडर्ड मेथड से, लेकिन वायर हीट के वजह से जो मुझे चाहिए वो रेजिस्टेंस क्या रहेगा, चेंज हो जाएगा, इसलिए चौकी को स्लाइड करने के बजाय क्या करना है, अलग अलग पॉइंट पे टैप करना है, समझा। और कौन सा नेक्स्ट क्लास हुई है, ओके, अंडरस्टूड दिस, इधर वाचन गया सोर्सेस ऑफ एरर एंड देयर मिनिमाइजेशन वाचन गया, पेज नंबर कितनी है, पेज नंबर 219 पेज बुक से वाचन, ठीक है, चलो क्या चालू करना है, मैंने बोला क्या बोला भैया, रिलीज मेथड, रिलीज नाम सुना है क्या, किसके बारे में सुना है, रिलीज नाम किसके बारे में सुना है, बोलो किसके बारे में सुना है, नाम रेफ्रिजरेटर सुना है, गेमिंग का रेफ्रिजरेटर रहता है ना, याद इतना ही है, गेमिंग का रेफ्रिजरेटर असतो फ्रीज असतो बरोबर, बरं ठीक आहे तुझा होगा। तो केल्विन्स मेथड का मेन यूज है टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ गॅल्व्होमीटर, लक्ष दे जरूर ऐकून घे, केल्विन्स मेथड का मेन यूज क्या है, टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ गॅल्व्होमीटर, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जिसका यूज किसके लिए होता है, टू मेजर सॉरी टू डिटेक्ट द करंट, इसके लिए होता है, मतलब किसी भी सर्किट में करंट प्रेजेंट है क्या, कितना करंट है, ज्यादा है कम है, उसका वैल्यू कितना है वो नहीं पता करना है कि नहीं, ज्यादा है कि कम है, वो सब हम लोग किसे पता कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर जिससे बना रहता है, अंदर कॉइल रहता है, मैग्नेट रहता है छोटा, वो सब जो पार्ट्स है उसके, उसके वजह से उस गैल्वेनोमीटर को खुद का एक रेजिस्टेंस तैयार होता है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, क्या बोलते हैं,
समझा, और उसका वैल्यू करीबन 80 ओम के से लेके 120 ओम तक रहता है, ठीक है उसका वैल्यू। ओके, तो वो रेजिस्टेंस कितना है वो फाइंड करने का तरीका है, जिसका नाम है क्या, मीटर भी जैसे उसका सेटअप है, इधर भी क्या है बोलो ना, एलशेप शीट के बीच में क्या रखना है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, बराबर है, इधर एक गैप हो गया, इधर एक गैप हो गया, बराबर है। अभी हम नॉर्मली लैब के अपने क्या रखते हैं, जिसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है वो रखते हैं ना, रक्षा जो हम लोग को किसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है, गैल्वेनोमीटर, हम लोग गैल्वेनोमीटर इधर लगा, ठीक है, इधर क्या लगा दिया नॉर्मली, नो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस लॉस का आर, इधर कौन सा पॉइंट होता है बी, इधर से बाहर निकल जाती है, चेक करो मीटर ब्रिज का, चेक करो मीटर ब्रिज, इधर जा रही है वायर बी के बाद जी को जा रही है ना, गैल्वेनोमीटर को जाएगी, इधर क्या आएगा गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से किधर जाती है वायर, जॉकी को इधर जाती है, अब जॉकी एक पर्टिकुलर पॉइंट फाइंड करता है, उसको हम लोग डी नाम देते हैं, डी इज नॉट अ डिवाइस, तो डिवाइस है जॉकी, डी इज अ पॉइंट, ठीक है, क्या करता हूँ मैं वायर ज्वाइन करता हूँ एक मीटर की, ओके, एक मीटर के वायर में एक मीटर के वायर में किधर तो आपका पॉइंट डी मिलेगा, ये हम लोग मार्क करेंगे एक्स, ये क्या मार्क करेंगे एल आर मार्क, ठीक है, लेकिन अगर आप इधर देखोगे तो मुझे कितने गैल्वेनोमीटर यूज करने पड़े, दो या एक, दो किसके लिए है, ये गैल्वेनोमीटर किसके लिए है, इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना, और ये गैल्वेनोमीटर किसके लिए है, करंट जीरो है कि नहीं पता करने लगे, क्योंकि मेरा कंडीशन क्या है क्रिस्टल नेटवर्क का या मीटर ब्रिज का, बी टू डी करंट कितना होना चाहिए, जीरो है कि नहीं वो देखने के लिए क्या चाहिए, गैल्वेनोमीटर, मतलब अगर मैं मीटर ब्रिज का यूज करता हूँ गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, तो मुझे कितने गैल्वेनोमीटर करंट करने पड़ रहे हैं, दो, लेकिन केल्विन ने बताया कि दो गैल्वेनोमीटर लगाने की जरूरत नहीं है, हम लोग कभी ये गैल्वेनोमीटर रखते भी मैं बैलेंसिंग लाइन फाइंड कर सकते हैं। अब मुझे बताओ इधर कुछ गैल्वेनोमीटर नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि उस वायर में क्या करंट जीरो है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा, प्रॉब्लम है ना, केल्विन से बताया इसकी जरूरत नहीं है, एक ही पास हो गया, लेकिन पता कैसे चलेगा कि उस बी टू डी में करंट जीरो है कि नहीं, कोई तो इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो मेजर करेगा, बराबर, लेकिन केल्विन से बताया कि उसकी जरूरत नहीं है, जो उन्होंने मेथड यूज किया तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उन्होंने क्या किया, एक्स की जगह जी लगाया, आर की जगह आर रखा, बी टू डी में डायरेक्ट वायर से जॉकी कनेक्ट किया, गैल्वेनोमीटर को हटा दिया, और बाकी पहले जो कनेक्शन है वो सेम है, इधर आएगा जी, इधर आएगा होस्ट, पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ए, बराबर है, अगर मैं ये यूज करता हूं तो मुझे नल पॉइंट इधर है वो पता करना जरूरी है, बराबर है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इनिशियली ये की क्लोज करेंगे, करंट पास करेंगे, अब ये करंट पास हो, करंट पास होने के बाद गैल्वेनोमीटर में कुछ ना कुछ तो डिफ्लेक्शन रहेगा, ठीक है, नेक्स्ट इस रेजिस्टेंस से ना इस रेजिस्टेंस से क्या निकालो, कुछ वैल्यू निकालो, से 40 हो 50 हो ऐसा वैल्यू निकालो, और उसके बाद रियोस्टेट का यूज करके गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ऐसा ऑब्टेन करो, पहले जीरो, मतलब समझो मैं बी से उतर के किधर टच कर रहा हूँ, जो कि ए पे, तो मुझे डिफ्लेक्शन पहले किधर मिलेगा, जीरो पे, ए से उतर के अगर मैं जो कि किधर टच करता हूँ सी पे, तो मुझे डिफ्लेक्शन इधर मिलेगा 30। अब बोलो सर इधर लेफ्ट में ये लेफ्ट पार्ट अभी यूज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर को एक साइड पे रखा है ना, तो उसका करंट का डिफ्लेक्शन पे कैसे आएगा, वन साइड रहेगा, ठीक है, ओके, लेकिन फिर भी हमारा मेन क्वेश्चन अभी तक पूरा नहीं हुआ, कौन सा क्वेश्चन था, बी टू डी में
गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो होगा ये पता नहीं से चलेगा, ये मेरा क्वेश्चन है, बराबर है? ठीक है, तो क्या बात है, ये सब होने के बाद मतलब ए पे टच किया तो जीरो, सी पे टच किया तो 30, उसके बाद इस रिवर्स शेक को एडजस्ट करके जॉकी को ऐसे पॉइंट करो कि आपका डिफ्लेक्शन मिलेगा 15 डिग्री मिलेगा, तो ऐसे करना है सब जो और वैल्यू थोड़ा चेंज करो 20-50 ओम से 20-30 ओम से, देन उसके बाद जॉकी को अलग अलग जगह पे क्या करो टैप करो, ठीक है? लेकिन वो करने से पहले इधर से रिवर्स निकालने के बाद रिवर्स स्टेट ऐसे एडजस्ट करो कि इधर डिफ्लेक्शन कितना मिले 50। अभी जॉकी अलग अलग जगह पे टच करने का चालू करो, जैसे जैसे पॉइंट अलग अलग पॉइंट पे टच होगा वैसे में 50 वाला पॉइंट 50 पे रहेगा क्या? नहीं रहेगा, किधर जाएगा? एक तो लेफ्ट में या राइट में, ठीक है? तो इससे पता चलता है कि अलग अलग पॉइंट पे 15 का रिफ्लेक्शन 50 नहीं रह रहा है, मतलब अलग अलग पॉइंट टच करने के बाद गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो हो रहा ही नहीं हो रहा, फ्लो हो रहा है ना? अगर करंट लेफ्ट फ्लो होता तो डिफ्लेक्शन सेम मिलता, लेकिन डिफ्लेक्शन अलग अलग मिल रहा है, 15 पे रखता हूं मैं, लेकिन जॉकी अलग अलग जगह पे टच टैप किया तो 15 पे नहीं रह रहा है, वो 20 जा रहा है, कभी 10 जा रहा है, अरे समझा? लेकिन एक पॉइंट ऐसे मिलेगा जिस पॉइंट पे टच करने के बाद भी पॉइंटर का डिफ्लेक्शन क्या रहेगा? 15। टच करने से पहले कितना था? 15। अभी कितना है? 15 ही हो रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट पे टच करने के बाद बी टू डी में करंट फ्लो होता है कि नहीं होता है? करंट फ्लो होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। अगर इधर से करंट फ्लो हो रहा था तो इधर टच करने के बाद 11 मीटर में जीरो होना चाहिए, बराबर ना? ठीक है, या 11 मीटर का डिफ्लेक्शन अलग अलग होना चाहिए जब मैं इधर टच करता हूँ या इससे करंट पास करता हूँ, तो 11 मीटर का डिफ्लेक्शन 15 में नहीं रहेगा, अलग अलग जगह रहेगा। इधर टच करने के बाद मुझे 15 का डिफ्लेक्शन मिल रहा है, किसमें? 11 मीटर में। उसको ब्रेक किया मतलब लगाया नहीं, ऊपर उठाया तो भी डिफ्लेक्शन कितना मिल रहा है? 15, क्योंकि हम लोगों ने एडजस्ट किसने किया है? 15 का एडजस्ट किया है, जबकि अलग अलग जगह पे टैप करके अलग अलग वैल्यूज मिला, लेकिन ऐसे एक पॉइंट मिला कि जिधर टच करने से पहले भी कितना है 15 और टच करने के बाद भी 15। टच करो या ना करो कुछ फर्क नहीं हो रहा है 11 मीटर के डिफ्लेक्शन में, मतलब इस पॉइंट पे ये करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो डिफ्लेक्शन फिक्स करने की वजह से हम लोगों को पता चला कि बी टू डी में गैल्वेनोमीटर का करंट कब जीरो आता है। ओके, अभी फॉर्मूला सेम रहेगा, जैसे फॉर्मूला क्या था, एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू, बराबर ना? ये फॉर्मूला मीटर बीच का था, सेम फॉर्मूला केल्विन में केल्विन यूज करना है, इस एक्स की जगह जी रखो, आर की जगह आर, अरे समस्या का, ठीक है? एल एक्स की जगह एल जी हो जाएगा, एल एक्स की जगह क्या हो जाएगा? एल जी, एल आर की जगह एल आर रहेगा, आपका एल जी भी पता है आपको, आर पता चलेगा बॉक्स से, एल आर कैसे पता चलेगा? डिस्टेंस बिटवीन डी टू सी, ये सब वैल्यू अगर आप पुट करोगे, आर का वैल्यू अगर आपको पता है, ये सब वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? जी क्या है? डिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, म्हणजे कळलं तुम्हाला? जॉकेट टच करायच्या आधी आणि करायच्या नंतर तो डिफ्लेक्शन या पॉइंट सेम असेल, बरोबर आहे? हा तुमचा इक्वल डिफ्लेक्शन पॉइंट झाला, म्हणजे झाला इक्वल डिफ्लेक्शन। तुम्हाला सर काजू नल पॉइंट बोलला, आता इक्वल डिफ्लेक्शन का बोलताय? नल पॉइंट कधी घ्यायचा? जेव्हा झिरो डिफ्लेक्शन येईल तेव्हा। म्हणजे झिरो डिफ्लेक्शन येते का? नाही, टच करताना आणि टच करायच्या नंतर डिफ्लेक्शन काय ते सेम येते, म्हणून त्याला काय म्हणायचं? इक्वल डिफ्लेक्शन येतं, कळलं का? ठीक आहे, ओके। मैंने क्या बताया, केल्विन सेंटर कौन सा मीटर है? इक्वल डिफ्लेक्शन मीटर। भाई न मीटर बीच कौन सा मीटर है? न डिफ्लेक्शन मीटर। कौन सा है? ओके, ये एक फर्क है। मीटर बीच में कितने गैल्वेनोमीटर होते हैं? 8। केल्विन में कितने रिक्वायर्ड है? 2। लेकिन किससे काम चलता है? 1 से काम चलता है, ठीक है? ओके, अभी जी के सामने जो लेंथ रहेगा उसको एलजी नाम देते हैं, आर के सामने तो लेंथ रहेगा कितना बड़ा है छोटा होने, वो क्या रहेगा आपका? एल आर, ठीक है? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब बता के हो गया, ठीक है? ये काम जो आप पढ़ो वो पार्ट केल्विन में तो ऑरेंज कलर के टेबल में दिया है, एक बार पढ़ो।
गया, यूज क्या है यश टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ कैलोरी, कैसे फाइंड करते हैं? पहले जो आपको मेजर टेस्ट करना है सेल में से करंट पास होने के बाद ए पे, उसके बाद सी पे, एन सी पे टेस्ट करने के बाद डिफ्लेशन की तरफ एक्सपेक्टेड है, एक बार जीरो पे एक बार थर्टी पे। इससे पता चलता है कि ए टू सी जब हम लोग जॉकी साइड करेंगे तो जीरो टू थर्टी को पास होगा। उसके बाद रिवर्स सेट का यूज करके हम लोग उसको किधर सेट करते हैं, फिफ्टीन पे किधर सेट करते हैं, फिर अलग अलग पॉइंट पे वायर पे जॉकी टच करने के बाद अलग अलग डिफ्लेक्शन मिलता है। लेकिन ऐसे पॉइंट मिलता है कि जिधर टच करने के बाद भी कितना मिलेगा, तो जॉकी टच करने से पहले फिफ्टीन, जॉकी टच करने के बाद भी, मतलब डिफ्लेक्शन सेम है, इसलिए उस मेथड का नाम क्या है, इक्वल डिफ्लेक्शन। और वो जो पॉइंट